हेलो स्टूडेंट्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स की जो क्लास है उसमें जो क्वेश्चन है वो डिवीजन का है। तो देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस तरीके से इजीली या कम टाइम में कर सकते हैं। अगर ऐसी कुछ वैल्यू दे रखी हो तो आपको क्या करना है, सीधा सा 5/2। तो ये तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो तो ऐसी कैसी लिखेंगे, फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो ऐसा कैसा लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे और इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, वो हो जाएगा 3/2। वैसे ही आगे वाली वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद। तो हमने डिवीजन की जगह पे क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और आगे के जो दोनों फ्रैक्शन थे उनको मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। अब क्या कर देंगे, अगर जो कट रहा है, जो डिवाइड हो रहा है उनको डिवाइड कर दो और बाकी जो वैल्यू बचती है उनको लिख दो। तो 3/2, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको ये ट्रिक देखकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।